और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अमरोहा से, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। बड़ी खबर, रणनीति बनाती हुई कांग्रेस की टीम और 24 फरवरी को अमरोहा पहुंचेगी न्याय यात्रा, और उससे पहले अमरोहा में कांग्रेस की ओर से जो है तमाम तरीके से तमाम मोर्चों पर इसे सफल बनाने की कोशिश और उसे अमली जामा पहनाने के लिए ये बैठक अंजाम दी गई है। टिकट से पहले यहाँ पर गुटबाजी भी बताई जा रही है पार्टी के अंदर। दानिश अली कांग्रेस में नहीं है, अमरोहा सांसद हैं कुंवर दानिश अली, जिसे लेकर पार्टी में अंदरूनी कला भी सामने आ रही है। अमरोहा लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कसी है और इसी के चलते बैठक भी हुई है। 24 फरवरी को अमरोहा पहुंचेगी न्याय यात्रा राहुल गांधी की, और उससे पहले कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि गुटबाजी हो रही है पार्टी के अंदर, टिकट से पहले, टिकट वितरण से पहले गुटबाजी का आरोप लगाया है। कहा है कि दानिश अली कांग्रेस में है ही नहीं, वो दानिश अली जो फिलहाल अमरोहा से सांसद हैं, उनको लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो गया, वहीं कांग्रेस से जो है अमरोहा से दानिश अली को माना जा रहा है। लेकिन अगर दानिश अली की बात की जाए तो दानिश अली का काफी विरोध है काफी समय से, और ट्विटर पर भी अगर आज भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है अगर कांग्रेस दानिश को मैदान में उतार के तो कांग्रेस को नुकसान होगा। देखिए, कांग्रेस में जो भी चयन होता है टिकटों का या प्रत्याशी होगा वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करती है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडीज लेते हैं। और बुलंदशहर से बड़ी खबर, जहां पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। तस्वीरों के जरिए देखिए, घटना में कई लोग घायल हुए हैं। खुर्जा नगर कोतवाली का मामला है, जहां पर दो गुटों में कहासुनी हुई और कहासुनी इस कदर बढ़ गई कि लाठी डंडे मारपीट तक की नौबत आ गई, और इसका वीडियो अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। बड़ी खबर बुलंदशहर से, मामले की जाँच में जुटी है पुलिस और मौके पर तैनात है पुलिस की टीम। थाना खुर्जा नगर कोतवाली इलाके का पूरा मामला है, जहां पर दो गुटों में झड़प हुई, उसके बाद लाठी डंडे और मारपीट तक की नौबत आ गई। कुशीनगर से बड़ी खबर, जहां पर मिड डे मील खाने से दर्जनों बच्चे बीमार हुए हैं। मिड डे मील के खाने में इस तरीके का पोषक नहीं था जिससे बच्चे बीमार न होते, और फूड पॉइजनिंग की वजह से बच्चे बीमार हो गए। पोषण की कमी साफ तौर पर नजर आई और कुछ बच्चों की स्थिति तो ज़्यादा गंभीर भी बताई जा रही है। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भेजा गया है। छपरा स्थित कंपोजिट स्कूल का पूरा मामला है, जहाँ पर मिड डे मील के खाने में, मिड डे मील में देखिए किस तरीके से उसे खाने से दर्जनों बच्चे बीमार हो गए। कुशीनगर से ये बड़ी खबर आ रही है, आप तक पहुंचा रहे हैं। 17 बच्चों को कोटवा सीएचसी में भर्ती कराया गया है। बड़ी और अहम खबर, बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ होता हुआ मिड डे मील के खाने के जरिए और फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए बच्चे, और अब कुछ बच्चों की स्थिति गंभीर भी बताई जा रही है और गंभीर हालात में उनका इलाज चल रहा है। सीएचसी में उन्हें दाखिल कराया गया है।